देखिए, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले की घटना है, जिसमें एक वीडियो में माननीय मनोज तिवारी जी एक महिला शिक्षिका का बहुत बुरी तरह से अपमान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप वो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस महिला ने माननीय मनोज जी को सस्नेह बुलाकर मंच पे, पूरे सम्मान से, मान से बुला के मंच पे, और एक निवेदन किया था, एक आग्रह किया था कि गीत की 2 पंक्तियाँ वो गा सकें, क्योंकि सांसद बनने से पहले वो बहुत प्रतिष्ठित कलाकार भी रहे हैं और वो खुद भी सार्वजनिक मंचों से जहाँ भी उद्बोधन देते हैं वहाँ अपनी गायकी का, अपनी कला का परिचय भी देते रहे हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला ने ये आग्रह किया होगा, पर इसके बाद इतनी बुरी तरह से उसको लताड़ना, मंच से भगा देना और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करना, ये बेहद शर्मनाक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे दुख देने वाली बात ये कि वो 2 करोड़ रुपए के कैमरों का जिक्र कर रहे हैं। सोचना चाहिए कि ये 2 करोड़ रुपए का जो कैमरा है वो किसके लिए है। मुझे लगता है इन्हीं महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो कैमरे लगे हुए हैं, और 2 करोड़ रुपए के कैमरे की कीमत से कहीं ज़्यादा हमें लगता है कि हमारे देश की, दिल्ली की महिलाओं की इज्जत उससे ज़्यादा कीमती है, बेशकीमती है। इस बात को माननीय मनोज तिवारी जी को समझना चाहिए। हम निवेदन करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग से, दिल्ली महिला आयोग से कि इस घटना का संज्ञान लें और कोई ऐसी ठोस कार्रवाई करें कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अहंकार में आकर मातृशक्ति का, महिला शक्ति का इस प्रकार से सार्वजनिक मंचों से अपमान न कर सकें। सर जी, या जिस भी साथी ने ये बात कही है, मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहूँगा, सार्वजनिक मंचों से कोई अपने भी घर की महिलाओं का इतना बुरी तरह से अपमान नहीं करता। बीच बचाव के लिए जो गलती आपसे हो गई उसे लीपापोती करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, पर बेहतर ये होता कि आप हाथ जोड़कर आप माफ़ी मांग लेते अपनी इस गंदी हरकत के लिए, क्योंकि वैसे भी पहले भी आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली के राजनीतिक पृष्ठभूमि में महिलाओं के अपमान की बात को लेकर मुझे लगता है सही तरीका ये होता कि वो इस घटना के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांग लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि इसकी लीपापोती करने के। और जो भी किया उन्होंने, किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टिकोण से सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती है। सर, बीजेपी